मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हमारे पीछे कुछ बच्चे हैं जो अपने हौसले, अपने मेहनत और अपनी पढ़ाई के बलबूते हिंदुस्तान के नामचीन स्कूल में अपना परचम लहरा चुके हैं। वरदान स्कूल के, वरदान प्रे पब्लिक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। और अभी आरके मिशन देवघर का रिजल्ट आया है, इसमें वरदान से 4 बच्चों ने सफलता पाई है। और ये 4 बच्चे हमारे साथ हैं, पूरी टीम वरदान की हमारे साथ हैं, इनके शिक्षक हैं, इनके पेरेंट्स हैं, और एक छोटी सी गेट टुगेदर यहाँ पर रखी गई है इस सफल आयोजन सफलता के बाद। शौर्यदीप हैं, इन्होंने फिर से देवघर में आरके मिशन जो देवघर है वहाँ कंप्लीट किया है, तो क्या कहेंगे, फिर से एक सफलता मिली। अब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जितने भी आरके मिशन होते हैं, आरके मिशन पुरुलिया, नरेंद्रपुर, देवघर, तीनों जगह रिजल्ट लाया है। अच्छा, तीनों टारगेट था, तीनों पूरा हो गया जी। ये शौर्यदीप के दादाजी हैं, शिक्षक हैं ये भी, और आज कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जिले के लिए यह वरदान स्कूल, जिले के बच्चों के लिए वरदान स्कूल ने साबित कर दिखाया है कि ये वास्तव में वरदान है मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए। बिल्कुल, मेरे लिए तो और ही वरदान सिद्ध हुआ जो मेरा पोता शौर्यदीप जो 3 आरके मिशन पुरुलिया, आरके मिशन नरेंद्रपुर, आरके मिशन देवघर, तीनों में सफलता इस वर्ष प्राप्त किया, यह मेरे लिए तो और वरदान है। देखिए, यहाँ पर वरदान की टीम को धन्यवाद देना होगा। मुजफ्फरपुर में शिक्षा जगत में बहुत बेहतर कर रहे हैं, वरदान की पूरी टीम हमारे साथ है, डायरेक्टर हैं हमारे साथ, चार डायरेक्टर हैं जो कि इस पूरे वरदान को चलाते हैं। और सच में अब तो वरदान साबित हो रहा है, हमेशा आप लोग हर कंपटीशन में रिजल्ट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस बार भी हम लोग का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, हमारे 4 बच्चे इस बार सफलता प्राप्त किए हैं, है ना, और मुझे बड़ी गर्व हो रही है अपने बच्चों पे, अपने टीम पे, है ना, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका बहुत कोऑपरेशन हम लोग के साथ रहता है, और शायद इसी कारण से हम लोग इतने सफल हो पाते हैं। चूँकि सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेरे एफर्ट से कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव एफर्ट लगाते हैं, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपका भी बच्चा सक्सेसफुल हुआ है, अभी क्या कहेंगे? इस बार हुआ है, यहाँ हम लोग वरदान देखने आए, हर स्कूल में गए थे, पहले पढ़ाते थे वहाँ, तो यहाँ के बारे में सुने, तो यहाँ आए तो देखे, यहाँ सर लोग जो है डायरेक्टर लोग समझिए, प्रमोद सर हुए, सिद्धार्थ सर हुए, तो ये लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बच्चे को, खुद से पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा संतुष्टि है, और मेरा बच्चा यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ किया है, समझिए 1 साल से मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ किया है। 1 साल में उसने आरके मिशन देवघर, हाँ आरके मिशन देवघर वो निकाला है इस बार। देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर देखिए गार्जियन बहुत खुश हैं, तो कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है सर, देवघर निकल के बहुत खुशी मिल रही है, वरदान स्कूल के तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, सभी सर बहुत ही इसको सपोर्ट किए, जिसका ही परिणाम है। देखिए, बच्चे यहाँ पर जो जिन्होंने निकाला है, 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आरके मिशन देवघर में, इसके पहले भी एग्ज़ाम्स जो होते रहे हैं उसमें बच्चे सिलेक्ट होते रहे हैं, सिलेक्ट हो गए तुम? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। हमारे सर लोग हमारे पीछे बहुत मेहनत करते थे, हमें बहुत मेहनत किया, इसलिए आज हम आरके मिशन देवघर निकाल पाए। अच्छा, कितना घंटा पढ़ते थे? स्कूल के पढ़ाई के बाद मैं घर जाकर 1 घंटा पढ़ता था, और उसके बाद सुबह 7 बजे वापस स्कूल चला। अच्छा, किसको क्रेडिट किसको देंगे आप? हमारे स्कूल के 4 डायरेक्टर और सारे सर को। साहित्य, हिंदी, संस्कृत उसके शिक्षक हैं, बहुत पुराने शिक्षक हैं, तो कैसा लग रहा है आज बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ भी जश्न का माहौल है। मुजफ्फरपुर में तो क्या, पूरे बिहार में वरदान जो है सो वरदान साबित हो चुका है, और आज देवघर में 4 रिजल्ट देना बहुत टेढ़ी खीर है जो हम लोगों ने कर दिखाया है, इसलिए हमारे पूरे वरदान टीम को
डायरेक्टर सर को और फिर हमारे अभिभावक लोगों को हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए चार रिजल्ट आया है इस बार आरके मिशन देवघर में और बड़ा टफ एग्जामिनेशन होता है आरके मिशन का और उसमें बच्चे कंप्लीट करते हैं। शिक्षिका हैं, आपका बेटा एक बार फिर सफल हुआ है, आरके मिशन देवघर भी उसने निकाल लिया, तो क्या कहेंगी? सर सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है, एक के बाद एक तीन रिजल्ट लेकर आया है, इसके लिए मैं पूरी वरदान टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बच्चों के साथ साथ जब टीचर्स मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तो आना तय है सर। देखिए यहाँ पर एक विशेष चीज़ हम देख रहे हैं, टीचर पेरेंट्स को कह रहे हैं, पेरेंट्स टीचर को कह रहे हैं, तो परस्पर एक दोनों में अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है सर। एक टीचर होने के नाते ये जानती हूँ मैं कि जब तक बच्चे मेहनत नहीं करेंगे और टीचर मेहनत नहीं करेंगे और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, तो नए साल के पहले नया साल एक छोटा सा मनाया जा रहा है, यहाँ पर पार्टी हो रही है। सिद्धार्थ सर हमारे साथ, क्या कहेंगे? नए साल की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार अंदाज में हुआ है और वरदान स्कूल फिर से एक बार परचम पूरे बिहार को गौरवान्वित करते हुए पूरे बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। वरदान साबित हो रहा है। और देखिए हमारे साथ जो एक और डायरेक्टर हैं अविनाश सर, खुशी चेहरे पर दिख रही है, वरदान ने एक बार फिर परचम लहराया। बिल्कुल सर, जो चार बच्चे गए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान उनको ढेर सारा आशीष दे, वो जहाँ भी जाए देवघर में जाए वो रिजल्ट उनके जीवन में एक अलग मील का पत्थर साबित हो और वो बहुत कुछ अच्छा करे जीवन में अचीव, ये मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं मेरे बच्चों के साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभिभावक को और बहुत सारे शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जो अभी नहीं रिजल्ट दे पाए हैं, उनका रिजल्ट आने वाले समय में है सैनिक स्कूल का चारुकुलम का, हम लोग वहाँ प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर वो बच्चा वहाँ पास करेंगे। तो देखिए मुजफ्फरपुर में वरदान एक अग्रणी संस्थान है, शिक्षण संस्थान, यहाँ पर प्रेप से पढ़ाई शुरू हो जाती है और आगे अगर बच्चा किसी बेहतर शिक्षण संस्थान में, बेहतर स्कूल में सक्सेसफुल होना चाहता है तो यहाँ आता है, पढ़ता है। और लोगों को विश्वास अब धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों का। जी बिल्कुल, हम चारों डायरेक्टर जो भी इस टीम स्कूल के फाउंडर हैं वो बच्चों का जो बेस लेवल होता है उसको अप करते हैं और जो भी उसको प्रॉब्लम होता है जिस विषय में होता है उसको अलग अलग हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं और बच्चों को उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। बच्चे भी सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी पूरा मेहनत करते हैं और बच्चे सफल हो जाते हैं। जी चारों डायरेक्टर की आप लोगों की मेहनत दिखी तो चार बच्चों ने आरके मिशन देवघर में सफलता हासिल कर ली है। कितने संतुष्ट हैं आप वरदान से? बाकी बात जो गार्जियन लोग बता चुके हैं, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सजगता, ईमानदारी, जागरूकता और कर्मठता, यदि किसी गार्जियन को देखना है और 100% विश्वास के साथ यदि आना है तो एक बार वेलकम है, आकर देखें, हमारे बोलने पर नहीं देखने पर विश्वास करें वरदान क्या है। वरदान क्या है, तो कितनी मेहनत लगती है जब बच्चा सक्सेसफुल करना, बच्चे को सफल बनाना, आप एक पेरेंट्स हैं, आपका बेटा शौर्यदीप तीन तीन एग्ज़ाम में लगातार आरके मिशन के सारे एग्ज़ाम में पास किया, तो क्या लगता है? जी ये आरके मिशन का एग्ज़ाम काफ़ी ही ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी टफ होता है और मैंने एक मिशन के तहत इसको एक मिशन समझ के उसको प्रिपेयर किया, मैंने भी मेहनत की उसके पीछे, सब टीचर ने मेहनत किया और आज काफ़ी खुशी हो रही है कि तीनों आरके मिशन का मिशन पूरा हुआ है, इसलिए बहुत ही खुशी की बात है और बधाई पूरे वरदान स्कूल को और एक पेरेंट्स को, मैं मुजफ्फरपुर के पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आके देखें वरदान स्कूल में, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की व्यवस्था बाकी ही सभी स्कूलों से बेहतर है, आप जहाँ सोच नहीं सकते हैं उतना मेहनत कराते हैं लोग, उतनी अच्छी व्यवस्था देते हैं। तो देखिए एक शेर के साथ इस खबर को ख़त्म करते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और तबीयत शिक्षक में भी होनी चाहिए, पेरेंट्स में भी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तब तक हमारे सहयोगी सुमन कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।